हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा, जिसमें से पहला जो स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो सीरीज का नार्जो 15A जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा रेडमी की तरफ से आ रहा है रेडमी 10 प्राइम। हालांकि बता दें कि यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो प्रोसेसर है और जो प्राइस रेंज है अंडर 15,000, उसमें आपको कौन सा फोन ये दोनों में से लेना चाहिए इसलिए बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोचक वीडियो लाता रहूंगा। दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते तो पहले आती दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो नार्जो 15A में देखने को मिल जाती है 6.5 इंचेस की HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको नॉर्मल मिनी ड्रॉप डॉस डिस्प्ले देखने के ड्यू ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक की बॉडी के साथ में आपको अलग सा डिजाइन देखने को मिल जाता है। ठीक ठाक सा आपको फोन है। हालांकि रियलमी के जो सारे फोन्स आते हैं इस रिजोल्यूशन के साथ में, इसको आपको सही सेम साइज में ही आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। रियलमी का ट्रेडिशनल डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रेडमी 10 प्राइम है उसमें भी आपको सेम साइज वाली ही डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक डॉट नॉच यानी कि एक पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 19 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर और डिजाइन वाइज बताऊं तो डिजाइन वाइज दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताऊं डिस्प्ले का रिजोल्यूशन और यहाँ पे रिफ्रेश रेट, उस मामले में यहाँ पे रेडमी 10 प्राइम थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू नार्जो 15A। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, बताऊं तो यहाँ पे पहले मैंने बताया कि परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे ज्यादा फर्क नहीं है। नार्जो 15A में देखने को मिल जाती है मीडियाटेक का हीलियो का G85 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर बेस पे काम करता है। ऑक्टाकोर पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे, क्लॉक रेट फॉर मालिक का G52 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अच्छा है, आपको जो मल्टीटास्किंग जो भी आपको अच्छे साथ काम करना हो गेमिंग के लिए नॉर्मल से, तो यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो Redmi 10 Prime है उसमें भी आपको लेटेस्ट MediaTek का हीलियो का G88 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो सेम आपको प्रोसेसर का आपको एक सक्सेसर वर्जन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको 12 नैनोमीटर बेसिकल में काम करता है, ऑक्टाकोर पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, आपको सेम GPU के साथ में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा बहुत ही ज्यादा आपको सीपीयू में थोड़ा एनहांस देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जीपीयू में एनहांस देखने को मिल जाता है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन हम कह सकते हैं कि दोनों सेम प्रोसेसर के साथ में ही हम कह सकते हैं कि ये देखने को मिल जाते हैं फोन। बाकी हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ही परफॉर्मेंस पे फर्क देखने को मिलेगा, हालांकि गेमिंग आप दोनों ही स्मार्टफोन में आप कर पाएंगे। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नार्जो 15A में आपको दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 4GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट और eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो स्टिकर लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो Redmi 10 Prime है उसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सेम LPDDR4X रैम का सपोर्ट और eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरेज एक्सपेंशन ऑप्शन है वो डेडिकेटेड नहीं है, वो हाइब्रिड है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम जैसा वेरिएंट कह सकते हैं, हाँ 6GB वाला वेरिएंट आपको Realme के Narzo 15A में देखने को नहीं मिलता, ये एक फर्क देखने को मिल जाता है रैम और स्टोरेज के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे के, बताते हैं Narzo 15A में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, बाकी के दो यहां पे फालतू के 2 मेगापिक्सल के मैक्रो 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, सिंगल टोन एडस देखने को मिल जाती है, 10 तक की 13 और 16 एफपीएस दोनों रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे UIS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वो पता नहीं उसमें बताया नहीं है, मेंशन नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि सिंगल कैमरा हम कह सकते हैं बाकी के दो कैमरा को छोड़ के, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो Redmi 10 Prime है उसमें भी आपको सेम प्राइमरी 15 मेगापिक्सल की प्राइमरी आपको कैमरा देखने को मिल जाता है f1.8 के साथ में,
और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा आपको वही 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में थोड़ा सा बेटर और एडवांस आपको Redmi 10 Prime में देखने को मिल जाता है। हालांकि Redmi 10 Prime में भी आपको सिंगल टोन एड्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं, सिर्फ आपको 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फीचर्स के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन हम सेम जैसा कह सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस है वो डेडिकेटेड आपको Redmi 10 Prime में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे को, तो दोनों में आपको सेम 8 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी या नॉट सेल्फी हम कह सकते हैं। नार्जो 15 में आपको नॉट सेल्फी देखने को मिल जाती है, वहीं पे Redmi 10 Prime में आपको पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको 8 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको F2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑन द पेपर जो मेगापिक्सल काउंट है वो तो सेम ही देखने को मिल जाता है, फर्क यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में हो जाता है सेल्फी कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताओ दोनों में आपको सेम 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, दोनों में आपको सेम 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। Realme के Narzo 15A में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, वहीं पे Redmi 10 Prime के आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, यानी कि सपोर्टेड आपको 18 वाट का ही देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों में आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अपने अपने जगह के आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। Narzo 15A में आपको Realme UI कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, वहीं पे Redmi 10 Prime में आपको MIUI 12.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। बैटरी सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों स्मार्टफोन यहाँ पे सेम देखने को मिल जाता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता सॉफ्टवेयर और बैटरी के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर मिल जाती है, ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, एक दो फीचर्स छोड़ के हाँ बताना चाहूंगा, नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में। हाँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है। Narzo 15A में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे Redmi 10 Prime में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 और 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Narzo 15A में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का, यानी कि यहाँ पे ये दो कार्ड और एक मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे Redmi 10 Prime में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये एक फीचर है। और दूसरा, यहाँ पे Redmi 10 Prime में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये एक फीचर आपको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, जो आपको Narzo 15A में आपको थोड़ा सा मिसिंग देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको ये दो फीचर्स छोड़ के आपको सारे फीचर्स आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के बदले का, Narzo 15A में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो प्राइस है यहाँ पे जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 11,500 रुपए की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस यहाँ पे 12,500 रुपए की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 7th October को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। हालांकि ये प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है बाद में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो प्राइस है वो शायद इंट्रोडक्टरी भी हो सकती है, क्योंकि Realme, Xiaomi कोई भी कंपनी है उसका कोई कंपनी का भरोसा नहीं है कि कब जैसे प्राइस इसकी बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो Redmi 10 Prime है उसमें भी आपको तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो प्राइस की बात करूँ यहाँ पे भी आपको बेस वेरिएंट है वो 12,500 रुपए की प्राइस फोन देखने को मिल जाता है 64GB वाला वेरिएंट, और 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 14,500 रुपए की प्राइस फोन देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा सजेशन क्लियरली है कि Redmi 10 Prime आप परचेस कर सकते हो, और उससे भी थोड़ा सा बेटर आपको फोन लेना हो तो Redmi का ही फोन, आपको कई सारे फोन देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्पेसिफिकेशन और भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, और Realme का भी फोन आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी फोन आप कंसीडर कर सकते हो, ना कि ये फोन लीजिए। क्योंकि यहाँ पे Narzo 15A है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है सीरीज, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउनग्रेड बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। पहली बात, यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसमें आपको थोड़ा रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा के और इसमें एक रिफ्रेश रेट थोड़ा सा डाल देते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको वही पुराना सा HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और यहाँ पे नॉर्मल सा आपको जो डिस्प्ले नॉच वाला डिस्प्ले वो यहाँ पे चिपका दिया है, जो इससे अच्छा आपको Redmi 10 Prime में देखने को मिल जाता है वही सेम प्राइस रेंज में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर थोड़ा सा लेटेस्ट आपको Redmi 10 Prime में देखने को मिल जाता है, जो कि Narzo 15A में शायद G88 यूज करते तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, फिर भी यहाँ पे आपको Redmi 10 Prime है वो अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ में भी आपको यहाँ पे बीट
कर जाता है नार्जो 15A को। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कैमरा देख सकते हो, तो कैमरा में भी आपको ज्यादा दम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैमरा हम कह सकते हैं, बाकी के जो दो कैमरा वो फालतू के दे दिख रखे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत कैमरा एडवांस भी आपको रेडमी 10 प्राइम में देखने को मिल जाता है, बाकी फीचर्स आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर यही करूंगा कि आप रेडमी 10 प्राइम को ही परचेस करिएगा, उससे भी ज्यादा आपको अच्छे और ऑप्शन मिलते हैं और इसी प्राइस रेंज में, तो भी आप उस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो रियलमी के भी फोन में, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी रुचिक वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।